एक बार की बात है, एक जंगल में एक झोपड़ी थी जो बहुत पुरानी थी। लोग इसे भूतिया झोपड़ी कहते थे, क्योंकि जो कोई भी उस झोपड़ी के आसपास जाता वह गायब हो जाता, ऐसा लोगों का कहना था। इधर जंगल के नजदीक एक गांव होता है जहां मुंगेर नाम का एक आदमी रहता था। मुंगेर बहुत ही खुद्दार होता है। मुंगेर घर में अकेला ही रहता था। वो दिन भर मजदूरी का काम करता था और अपना जीवन ऐसे ही जीता था। एक दिन मुंगेर जंगल के रास्ते काम पे जाता है, तभी एक शेर एक बकरी को दबोच कर ले जाता है। बकरी झटपट आती है। ये देखकर मुंगेर एक डंडा लेकर शेर के पीछे भागता है और शेर बकरी को छोड़कर भाग जाता है। ये क्या, ये बकरी तो पूरी तरह से जख्मी हो गई है। अगर ये बकरी यहीं रही तो मर जाएगी। मैं इसे घर ले जाता हूँ। मुंगेर बकरी को अपने साथ घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। मुंगेर काम पे जाना छोड़ देता है और हमेशा बकरी का ही ख्याल रखता है। कुछ दिन बाद बकरी ठीक हो जाती है। मुंगेर जहाँ एक तरफ अपने काम को लेकर उदास रहता था, वही दूसरी तरफ बकरी से बात करते हुए खुद से ही कुछ बोलता है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, मेरा काम भी चला गया, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम मेरे साथ ही रहोगी। तभी जादुई बकरी बोलती है, उदास मत हो मुंगेर, सब ठीक हो जाएगा। बकरी को बोलते देख मुंगेर चौंक जाता है। हैं? तुमने सच में कुछ कहा या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? सपना नहीं, ये सच है। बकरी को बोलते देख मुंगेर डर जाता है। तुम तो सच में बोलती हो, कौन हो तुम, कहीं कोई भूत तो नहीं? मुंगेर मुझसे डरो नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक जादुई बकरी हूँ। तुमने जिस तरह से मेरी जान बचाई है, मैं ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। जादुई बकरी, इसका मतलब है तुम जादू कर सकती हो? फिर तुम शेर के जबड़े में कैसे फंस गई थी? मैं जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी और पता ही नहीं चला कब सो गई थी, तभी शेर ने मुझे पकड़ लिया था। अच्छा मुंगेर, मैं तुम्हारी उदासी का कारण जानती हूँ। मेरी वजह से तुम्हारा काम चला गया, पर तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। जादुई बकरी अपने जादू से मुंगेर को एक सोने से भरा हुआ घड़ा देती है। मुंगेर, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही खुद्दार इंसान हो और मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, तुम इसे रखो, इस घड़े में सोना कभी खत्म नहीं हो। इसी तरह जादुई बकरी और मुंगेर एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे मुंगेर बड़ा आदमी बन जाता है, तो गांव के मजदूरों के लिए आराम करने और उनके खाने पीने का भी ध्यान रखने लगता है। एक दिन मुंगेर जंगल के रास्ते शहर जाता है, पर घर वापस नहीं आता है। मुंगेर अभी तक नहीं आया, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, बहुत दिन बाद शहर गया है, इसलिए शायद वही रह गया होगा। इसी तरह दो दिन बीत जाते हैं, पर मुंगेर वापस नहीं आता। जादुई बकरी बहुत टेंशन में रहती है। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुंगेर जरूर कुछ मुसीबत में फंसा होगा। जादुई बकरी अपने जादू का इस्तेमाल करती है और देखती है कि मुंगेर भूतिया झोपड़ी में कैद है। यह देखकर जादुई बकरी डर जाती है और बिना देरी किए जंगल की तरफ भागती है। फिर भूतिया झोपड़ी में पहुँच जाती है। जादुई बकरी भूतिया झोपड़ी के अंदर जाती है। झोपड़ी बाहर से देखने में तो छोटी लगती है, लेकिन अंदर से यह किसी गांव से कम नहीं लगती। तभी उसके सामने कुछ बंदर आ जाते हैं और सबके हाथ में भाला रहता है। ए बकरी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम लोगों ने मुंगेर को पकड़ के रखा है, उसे छोड़ दो। ये हमारा इलाका है, जो हमारे इलाके के अंदर आता है हम उसे छोड़ते नहीं, बल्कि शिकार कर लेते हैं। चलो अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गई, अब हमें दो दिन तक कोई शिकार नहीं चाहिए। मतलब यहाँ कोई भूत नहीं बल्कि तुम बंदर शिकार करते हो? हाँ, इस झोपड़ी के आसपास जो भी आता है हम उसका शिकार कर लेते हैं, और लोग समझते हैं कि वे सब गायब हो गए हैं। मतलब भूतिया झोपड़ी सिर्फ एक झोपड़ी है? हाँ, चलो अब बहुत हो गया, बंदी बना लो इस बकरी को। अच्छा, तो ये सब तुम लोगों का किया धरा है? मासूम लोगों का शिकार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम लोगों को अभी सबक सिखाती हूँ। जादुई बकरी जादू से सबके भाले को हवा में उड़ा देती है और फिर उसी भाले से ही सबको मारती है। बंदर बकरी की शक्ति को देखकर डर जाते हैं और जादुई बकरी से माफी मांगते हैं।
हमें माफ कर दो, माफ कर दो। हमने जानबूझकर किसी का शिकार नहीं किया है। अच्छा, जानबूझकर नहीं किया, तो फिर किया ही क्यों? पहले हम किसी का शिकार नहीं करते थे। ये सिर्फ एक झोपड़ी नहीं है, ये हमारा गांव है। हम सब यहाँ खुशी खुशी रहते थे। फिर एक दिन यहाँ कहीं से एक राक्षस आया और हमें अपना शिकार बनाने लगा। हमारी जान की विनती करने पर उस राक्षस ने एक शर्त रखा, अगर हम दो दिन बाद उसको कोई शिकार दें तो वो हमें कुछ नहीं करेगा। अच्छा, तो ये बात है, वो राक्षस कहाँ मिलेगा? आज उसका शिकार का दिन है, कभी भी आ सकता है। ठीक है, आज मैं राक्षस का खाना बन कर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद राक्षस गुर्राता हुआ आता है। लाओ दो मेरा शिकार, जल्दी दो, बहुत भूख लगी है। अभी लाता हूँ। बंदर जादुई बकरी को राक्षस को देता है। ये क्या बकरी, ये तो बहुत छोटी है। राक्षस पहले मुझे खा कर दिखा, फिर बाद में छोटा बोलना। ये सुनकर राक्षस गुस्सा हो जाता है और जादुई बकरी को पकड़ने जाता है। जादुई बकरी यहाँ वहाँ भागती है पर राक्षस उसे पकड़ नहीं पाता है। वो बहुत थक जाता है। मैं और भाग नहीं सकता हूँ, मैं थक गया हूँ। इतनी जल्दी थक गया? मुझ पर हंसती है? तुझे तो मैं कच्चा खा जाऊंगा। राक्षस फिर से बकरी की तरफ भागता है। तभी जादुई बकरी जादू से राक्षस के पैर में रस्सी बांध देती है और राक्षस गिर जाता है। तूने बहुत मासूमों को खाया है, अब तेरा खेल खत्म। फिर राक्षस के चारों तरफ आग लगा देती है। मुझे मारो मत, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। ठीक है, मुझसे वादा कर तू यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा और दोबारा किसी का शिकार नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और आज के बाद मैं किसी का शिकार नहीं करूंगा। ठीक है, जादुई बकरी राक्षस को छोड़ देती है। इसी के साथ बंदर राक्षस के आतंक से मुक्त हो जाते हैं और मुंगेर को छोड़ देते हैं। मुंगेर और जादुई बकरी खुशी खुशी गांव लौट जाते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं।